हैं दोस्तों। इस वीडियो में आप देखेंगे विज्ञान के विटामिन संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो SSC परीक्षा, RRB और रेलवे और ग्रुप डी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आप एक बार वीडियो मेरा जरूर देखें। निम्नलिखित में से जल घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा विटामिन बी। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से वसा घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन एच। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो जल या वसा में घुलनशील नहीं है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन एच। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा विटामिन एच। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमिन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिफिरॉल। इसका उत्तर होगा रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से ब्राइट आई विटामिन कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 6, गाजर और पालक साग में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 7, रतौंधी नामक रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 8, आँख संबंधी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होते हैं? ऑप्शन विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, विटामिन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन रेटिनॉल, थायमिन, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, थायमिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से एपेटाइट विटामिन किसे कहा जाता है? ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B4। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, विटामिन B1। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B4। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, विटामिन B1। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन रेटिनॉल, थायमिन, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, राइबोफ्लेविन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, त्वचा और ओंठ का फटना किस विटामिन के कमी के कारण होता है? ऑप्शन विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B4, विटामिन B6। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, विटामिन B2। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन B4 का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन रेटिनॉल, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, नियासिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, पेलेग्रा नामक बीमारी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? ऑप्शन विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B4, विटामिन B6। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, विटामिन B4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल, पाइरिडॉक्सिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पाइरिडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एनेमिया नामक बीमारी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? ऑप्शन विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B4। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थायमिन, राइबोफ्लेविन, साइनोकोबालामिन। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, साइनोकोबालामिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पर्निशियस एनेमिया किस विटामिन के कमी के कारण होता है? ऑप्शन विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B4, विटामिन B1। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन H का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल, बायोटिन, राइबोफ्लेविन, थियामिन। जी हाँ दोस्तों, आंसर सेकेंड, बायोटिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, नियासिन, कैल्सिफेरॉल। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट, अस्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल, रेटिनॉल, राइबोफ्लेविन, नियासिन। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कैल्सिफेरॉल। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा विटामिन सूरज के प्रकाश द्वारा प्राप्त होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, विटामिन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों में रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, कैल्सिफेरॉल, नियासिन, रेटिनॉल। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टोकोफेरॉल। नेक्स्ट, नपुंसकता नामक बीमारी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, विटामिन ई। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है? हाइलोक्विनोन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, नियासिन। जी हाँ दोस्तों, आंसर नंबर फर्स्ट, हाइलोक्विनोन। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विटामिन के। जी हाँ दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाल बटन प्रेस कर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।